हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अपने लैपटॉप HP ProBook 450G4 का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले इस लैपटॉप में आपको दिखता है ये इंटेल कोर i7 का लोगो, और जिसके साथ ही साथ इसके नीचे लिखा हुआ है 7th Gen। आप सोच रहे होंगे कि ये काला स्ट्रिप क्या है। असल में ये काला स्ट्रिप फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो आपको लैपटॉप को लॉक करने में मदद करता है। इस साइड आपको प्रोबुक का लोगो मिलता है, ये देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लैपटॉप को। तो देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। इस लैपटॉप के ऊपर आपको एक HD वेबकैम मिलता है, ये देखिए दोस्तों। एडोब इसमें कुछ फाइल्स भी मिलते हैं, ओपन ऑफिस, एडोब रीडर, क्विक सिंक बैंकिंग एंड लॉट्स मोर। आप देख सकते हैं कि इसके कीबोर्ड में लाइट है, देखिए गौर से देखिए, इसके कीबोर्ड में लाइट है। इसके साइड में आपको CD प्लेयर मिलता है, ये देखिए इसका CD प्लेयर। तो ये इसे बंद कर देते हैं। साइड में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ USB कनेक्शन मिलते हैं और हेडफोन के कनेक्शन भी मिलते हैं। इसके साइड में आपको टेलीफोन कनेक्शन मिलता है और इसके बगल में लॉक सिक्योरिटी मिलता है। इस साइड लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको चार्जर पॉइंट मिलता है, और ये है लैपटॉप रिफ्रेशर, जो इससे बाहर लैपटॉप ठंडा होने के लिए गर्म हवा फेंकता है बाहर। यहाँ पे कुछ और USB कनेक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको HD कार्ड लगाने का जगह मिलता है। तो दोस्तों, ये था मेरा लैपटॉप HP ProBook 450G4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक वीडियो भी बनाइएगा। अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में कुछ भी और जानना हो तो मेरे चैनल में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।